चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम क्लास। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास वालों के लिए होम साइंस की रेसिपी की प्रैक्टिकल फाइल। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रूट्स पुलाव के बारे में बताया गया है, जिसकी सामग्री यहाँ पर दी गई है और इसे बनाने की विधि बताई गई है। तो आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पर राजस्थानी कढ़ी दी गई है, जिसकी सामग्री यहाँ पर लिखी गई है, इसे बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है और यहाँ पर इसे बनाने की विधि बताई गई है। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अंकुरित दाल पराठा बताया गया है और यहाँ पर इसकी सामग्री लिखी गई है और यहाँ पर इसे बनाने की विधि दी गई है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीमी कोफ्तों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर इसकी सामग्री दी गई है, इसमें क्या क्या यूज होता है और यहाँ पर इसे बनाने की विधि बताई गई है। यहाँ पर सब्जियाँ दी गई हैं और इन्हें बनाने के लिए सामग्री दी गई है और यहाँ पर इसे बनाने की विधि दी गई है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट क्यूबन, इसको बनाने की सामग्री और इसको बनाने की विधि यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मिल्क फ्रूट पुडिंग, इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और विधि बताई गई है। यहाँ पर मेवा ब्रेड हलवा, इसे बनाने की सामग्री और विधि बताई गई है और आप इसे ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर रवा मलाई लड्डू दिए गए हैं, जिसे बनाने की सामग्री यहाँ पर दी गई है और इसे बनाने की विधि बताई गई है। यहाँ पर पनीरी कैरेट, इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री और विधि बताई गई है।